न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार अंदाज में वनडे सीरीज फतह करने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब T20 सीरीज पर होंगी। 6 फरवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज की कप्तानी भी रोहित शर्मा ही करेंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर 2 वनडे मुकाबले खेल चुकी है। इस दौरान टीम को 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा। 4th वनडे को शर्मनाक तरीके से गंवाने के बाद भारत ने 5वें वनडे में वापसी करते हुए सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज जीतने के बाद टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने रोहित शर्मा का इंटरव्यू अपने चहल टीवी पर लिया। दरअसल पिछले कुछ समय से चहल मैच के बाद अपनी टीवी पर खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेते रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चहल ने रोहित शर्मा से बातचीत की। हालांकि इस दौरान चहल ने रोहित से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर रोहित ने चहल के मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दी। चहल ने रोहित से कहा कि क्या वो विराट कोहली की जगह नंबर 3 के स्थान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि वह इस बारे में टीम के दूसरे सदस्य और मैनेजमेंट से बात करेंगे। इसके बाद रोहित ने चहल की चुटकी लेते हुए कहा कि मैं चाहूंगा कि आप उस मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बने जिसमें भारत को जीत मिले, ना कि हार। रोहित ने आगे कहा कि टीम ज़्यादातर शुरू के 10 बल्लेबाजों के बारे में सोचती है और आप 11वें नंबर पर आते हैं। रोहित के इस जवाब को सुन चहल कहते हैं कि देखो, इन्हें हमारे मुंह पर बेइज्जती कर रहे हैं। बता दें कि 4th वनडे के दौरान भारत की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज युजवेंद्र चहल ही रहे थे। चहल ने इस मैच के दौरान 18 रनों की पारी खेली थी। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 92 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन चहल ने नाबाद 18 रनों की पारी खेली थी। चहल की इस दिलेरी को देख फैंस ने उनकी जमकर प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है युजवेंद्र चहल की बैटिंग पोजीशन के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।